नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं साहिल आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार यूसीपी यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सभी प्यारे साथीगण बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों आप सबको मैं सर्वविदित कराना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी एवं स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था उसी के बेस पर आज मैं आप सबके लिए ग्रुप सी ग्रुप डी व स्टेनोग्राफर के लिए जो सिलेबस है आपका कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होगा, दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। और ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर का जो स्टेज वन पैटर्न है, टीयर वन पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम है, केवल अलग हो जाता है स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट, उसकी भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है डियर, चलिए आज के सेशन की हम करते हैं मित्रों शुरुआत। जैसा कि आप सबको पहले मैं बताना चाहूंगा डियर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जो है आपका डियर, चाहे फिर वो ग्रुप सी का प्री सिलेबस हो, ग्रुप सी ग्रुप डी व स्टेनोग्राफर वह स्टेनोग्राफर, याद रखिएगा तीनों का जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी आपकी, लिखित परीक्षा जो ओएमआर बेस्ड पर होनी है, इसका जो सिलेबस है, लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, इन तीनों का सिलेबस डियर सेम है, इन तीनों का सिलेबस सेम है। बस स्टेनोग्राफी में जो आपका स्टेज टू आ जाता है, इसमें दो चीजें और जुड़ जाती हैं, उसको भी मैं चर्चा करके आप सब तक सारी चीजों को समझाऊंगा। सिलेबस इसका एक है सभी का, कौन सा सिलेबस, लिखित परीक्षा जो आपकी ओएमआर बेस्ड पर होनी है, ये परीक्षा जो होगी आपकी ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी, ओएमआर बेस्ड पर होंगी। ठीक है, आइए मैं आपको इन तीनों का पहले सिलेबस बता देता हूं डियर, और सिलेबस को आप सब ध्यान से देखेंगे, और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये सिलेबस। ठीक है, चलिए देखिए मैं आप सबको बताने के लिए चल रहा हूं, जो चाहे फिर वो ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, इसका जो स्टेज वन होता है, अर्थात मैंने आपको बताया रिटन एग्जाम जो होता है वो सबका सेम होता है। तो याद रखिएगा रिटन एग्जाम जो आपका होने हैं वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, रिटन एग्जाम ये 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स के, 100 नंबर के, याद रखिएगा जो रिटर्न एग्जाम है वही केवल 100 नंबर का है। और ये रिटर्न एग्जाम याद रखिएगा ये ग्रुप सी के लिए भी 100 नंबर का, ग्रुप डी के लिए भी 100 नंबर का, एवं स्टेनोग्राफर के लिए भी ये 100 नंबर का ही पेपर आपका आएगा, ये मैंडेटरी है, ये लिखित परीक्षा आपकी होनी ही होनी है। ठीक है डियर, तो मैं आपको एक एक सारी चीजों को जानकारी प्रोवाइड करता चलूंगा। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि लिखित परीक्षा आपकी होगी कैसे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। स्टेज टू याद रखिएगा, ये जो आपका स्टेज टू है, स्टेज टू में आप याद रखिएगा, अगर मैं बात करूंगा एक मिनट रुकिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ग्रुप सी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप सी में मैंने आपको बताया कि पहले आपकी लिखित परीक्षा होनी है, लिखित परीक्षा होनी है, और ये लिखित परीक्षा कुल कितने मार्क्स की होगी डियर, तो 100 मार्क्स की होगी। ये स्टेज वन हो गया ग्रुप सी का। अगर मैं इसी में बात करूं स्टेज टू में, तो स्टेज टू में डियर क्या होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश भी टाइप करना पड़ेगा आपको, इंग्लिश टाइप व हिंदी टाइपिंग। क्या सर इन दोनों में से एक ही करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, दोनों आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं और हिंदी टाइपिंग के लिए भी 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है डियर, ये आपका कितना हो गया, तो याद रखेंगे 25-25 नंबर हो गए, ये आपके दोनों कितने हो गए, 100 मार्क्स। तो 100 नंबर का लिखित परीक्षा और 50 नंबर का ये टाइपिंग हो गया, स्टेज वन 100 नंबर का। टोटल जो आपका ग्रुप सी की जो परीक्षा होगी वो टोटल कितने मार्क्स पे होगी डियर,
टोटल जो होगा 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के लिए टोटल मार्क्स कितने आपके निर्धारित किए गए हैं, 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। मैंने बताया कि लिखित परीक्षा चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, सबका सेम है। मैं अभी उसको भी बता देता हूं, ठीक है। आगे देखिएगा मित्रों, यहां पे ग्रुप डी दूसरा है इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी ग्रुप डी। अगर मैं ग्रुप डी की बात करता हूं डियर, इसमें भी आपको मैंने बताया था जो स्टेज वन वो कितने मार्क्स का होगा डियर, तो मैंने बताया था स्टेज वन ही लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा जो कुल कितने प्रश्नों की होगी, 100 प्रश्न 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अगर मैं बात करूं डियर, तो आपका स्टेज टू जो होगा डियर वो भी रिटन एग्जाम ही होगा। स्टेज टू भी आपका लिखित परीक्षा ही होगी। मतलब स्टेज वन में भी लिखित परीक्षा और स्टेज टू में भी लिखित परीक्षा, दोनों के लिए 100-100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखिएगा टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके ये, तो टोटल 200 नंबर, यानी जो ग्रुप डी की पद है टोटल 200 नंबर आपका इसके लिए सुनिश्चित किया गया है। 200 में से ही आपकी फाइनल मेरिट निर्धारित की जाएगी कि आप भाई एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपने देखा लिखित परीक्षा ग्रुप डी में दो दो है, पहली लिखित परीक्षा 100 मार्क्स की, दूसरी लिखित स्टेज टू में दूसरी लिखित परीक्षा, इसमें ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये जो सिलेबस मैंने मेंशन किया है ये स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर। अब देखिएगा मैंने आपको बताया कि लिखित परीक्षा सभी में मैंडेटरी है, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो। अब बात करते हैं हम कि स्टेनोग्राफर में जो पहला स्टेज होगा डियर वो क्या होगा, रिटन एग्जाम मैंने बताया 100 नंबर का, और रिटन एग्जाम ये रिटन एग्जाम जो 100 नंबर के होने हैं ग्रुप सी के लिए भी होने हैं, ग्रुप डी के लिए भी होने हैं, स्टेनोग्राफर के लिए हुए। रिटन एग्जाम में पूछता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, आपसे जीएस पूछा जाएगा, मैथ्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे और हिंदी पूछे जाएंगे। और इसमें ये इस बात का निर्धारण नहीं किया गया है कि जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी नहीं, चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 100 नंबर आएंगे, या हो सकता है हिंदी का 30 डाल दे और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन ही डाल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो आपका रिटन एग्जाम है ये सभी के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए भी है, ग्रुप सी ग्रुप डी सभी के लिए है। और रिटन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ये सारे आपके टॉपिक, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर का, ये स्टेज टू है, इसमें स्टेज टू को टू पार्ट में कराया जाएगा, ठीक है, स्टेज टू को स्टेनोग्राफर में टू पार्ट में कराया जाएगा। इसके सेशन वन में आपका इंग्लिश व हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश व हिंदी टाइपिंग है सेशन टू में। और इसके लिए जो मार्क निर्धारित किए गए हैं, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स और हिंदी टाइपिंग के लिए भी 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब देखिएगा सेशन टू जो है डियर, सेशन टू इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में, इसमें होता क्या है डियर, आपका आशुलिपि परीक्षा, आशुलिपि परीक्षा आपकी होनी है, अर्थात जो आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है वो होने हैं आपके शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। तो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट कितने मार्क्स का होना है, सेशन टू कितने मार्क्स का होगा, 50 नंबर का आपका सेशन टू होगा। आशुलिपि परीक्षा सर क्या हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, तो आप याद रखिएगा ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में हमें पहले रिटन एग्जाम में गुजरना पड़ेगा, फिर स्टेज टू में पहले हम सेशन वन, देखिएगा सेशन वन सेशन टू ये एक ही दिन में पेपर आयोजित कर लिए जाएंगे, ठीक है। पहले आपको इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी जिसके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं,
फिर हिंदी टाइपिंग कराई जाएगी जिसके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। फिर आपका उसी सेम डे में आपका आशुलिपि परीक्षा होगी। अगर आपने हिंदी में भाई हिंदी में आप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाह रहे हैं इंग्लिश में दे रहे हैं, जिसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 50। अगर मैं इस स्टेनोग्राफर के सिलेबस को देखूं तो टोटल 200 मार्क्स हो रहे हैं। 100 नंबर के हमारा रिटन एग्जाम, 50 नंबर का हिंदी व इंग्लिश टाइपिंग और 50 नंबर का आशुलिपि परीक्षा। तो टोटल कह सकते हैं 100 प्रश्न 100 मार्क्स के आपके होने हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये तो आपको समझ में आ गया भाई कि जीएस मैथ इंग्लिश हिंदी ये जो आपका है ये सभी के लिए पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा सभी में आयोजित होगी। लेकिन ग्रुप डी में जो सेशन टू कराया जा रहा है दो बार लिखित परीक्षा कराई जा रही है। स्टेनोग्राफर में एक स्टेज टू का सेशन वन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और सेशन टू जो है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। अब मैं बात करता हूं शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है डियर, देखिए मैंने आपको बताया था स्टेज वन ये किसी भी के लिए, चाहे रिटन एग्जाम सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे फिर वो ग्रुप सी की पोस्ट हो, चाहे फिर वो ग्रुप डी की पोस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ये जो आपकी लिखित परीक्षा है सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए ये मैंडेटरी है लिखित परीक्षा, जिसके लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए जो आपको समय दिए जाएंगे 100 प्रश्न को हल करने के लिए समय जो होगा 90 मिनट होगा। ये आपका जो पेपर होना है डियर ये ओएमआर बेस पर होगा, ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से आपका कराया जाएगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, इतने आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दूसरा मैं बात करता हूं स्टेज टू में, सेशन वन मैंने आपको बताया था टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुछ लोगों को तो यही डाउट रहता है कि सर क्या ये दोनों टाइपिंग हमें देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। आपको एक मिनट में 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी गति होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छी तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। आपकी गति 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश की होनी चाहिए, यह आपका हो गया टाइपिंग का सिस्टम। अब मैं बात करता हूं स्टेज टू का सेशन टू, जिसमें मैंने बताया था शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, यानी 80 × 5 कितने हो गए डियर आपके 400 शब्द। आपको 400 शब्द बोला जाएगा हिंदी टाइपिंग के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको बोला जाएगा, यानी एक मिनट में 80 शब्द, तो 5 मिनट में 400 शब्द बोले जाएंगे। और इस 400 शब्द को आपको टाइम दे दिया जाएगा, कंप्यूटर पर दिया जाएगा टाइम कि भाई इस 400 शब्द को 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आप टाइप कर डालिए। बोले तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा यानी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, 30 मिनट पूरा का पूरा आपको टाइपिंग के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा जो हमारा है इंग्लिश स्टेनो स्किल टेस्ट, ये इंग्लिश वाला जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा ये 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा, डिक्टेशन 5 मिनट का होगा। तो अगर 100 × हम 5 करते हैं तो हो कितना जाता है, तो 500 शब्दों को बोला जाएगा 5 मिनट में, जिसके लिए आपको टाइपिंग करने के लिए इस दिए गए 500 शब्दों को 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको डिक्टेशन कर डालना है। ठीक है, यानी इसको आपको कंप्यूटर पर टाइप कर डालना है, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने के बाद जब आप अनुवाद करेंगे तो तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखता हूं डियर। चलिए ये सिलेबस तो आपके हो ही गए, अब बात आती है कि सर स्टेनोग्राफी कहां से सीखें? सर ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? तो भाई मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल 100% आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, 100% आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। क्या सर आपका कोई बैच है? बिल्कुल डियर, हमारा जो बैच है वो संकल्प बैच के नाम से, ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि के नाम से अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन यूसीपी लर्निंग ऐप। सर आपका बैच क्या है, किस तरह से है, वो सब मुझे बता दीजिएगा एक बार। बिल्कुल बता देंगे डियर। देखिएगा हमारा जो कोर्स है हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली, इसका कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन यूसीपी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। इस कोर्स में आपको डाउट के लिए ग्रुप दिया जाएगा और इसी ग्रुप के माध्यम से आपकी क्लास कॉपी भी चेक की जाएगी। इसमें डिक्टेशन सीरीज भी अवेलेबल रहेंगी, यानी ये जो हमारा कोर्स है डियर, बेसिक लेक्चर भी इसमें आपको मिलेंगे,
एडवांस लेक्चर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, दोनों लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एडवांस आउटलाइन की सुविधा भी मिलेगा, डिक्टेशन सीरीज भी मिलेगी। अगर आप सभी को बैच बाई करना है डियर, तो ये अभी पहले तो कोर्स था 1100 रुपए का, लेकिन कोर्स डिस्काउंट कर दिया गया है 20% डिस्काउंट, जिसकी राशि अब 880 रुपए हो गई है। कोर्स की जो वैलिडिटी है, कोर्स की वैलिडिटी जो होगी डियर, ये होगी दो वर्षों की कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है। और याद रखिएगा, ये किसी भी स्टेनोग्राफी के लिए आप सीख सकते हैं। डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप यूसीपी 123 कोड अप्लाई करेंगे, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये वन टाइम फीस है, मतलब महीने का चार्ज नहीं है, एक बार में फी पेड करेंगे, कोर्स आपका ओपन हो जाएगा, जिसकी वैलिडिटी पूरे के पूरे 2 सालों की होगी। सर, ये आपका कोर्स मिलेगा कहां पे? पहले तो ये बताइए सर कि आप कॉपी कैसे चेक करते हैं, क्लास कॉपी वगैरह कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये स्टूडेंट की कॉपी है, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं ये उनकी कॉपी है। कि सर आप मेरी कॉपी को चेक करिए, देख रहे हैं आप इनकी कॉपी चेक होकर हमारे द्वारा सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो भी, ये भी देखिए स्टूडेंट्स की कॉपी ही है, लेकिन ये जो कॉपी है ये हमारा है, ये हमारे द्वारा स्टूडेंट की कॉपी चेक की गई है। इसमें गलती बता दी गई, देखिए जीवन को उन्होंने लिखा था लेकिन सही नहीं लिखा था, पैराग को उन्होंने लिखा था सही नहीं लिखा था, ऐसा बनना चाहिए। अब उसमें डाउट क्या है तो मैंने लिख के सामने एरो से बता दिया कि भाई ये डाउट है, ये गलती है, ये आप कमी कर रहे हैं, ठीक है। गुलाब को गलत लिखा गया था, इसी प्रकार से जो त्रुटियां होती है वो आपको बता दी जाती है। बात आती है कि सर आपका कोर्स हमें कहां पे मिलेगा, हमें बाई करना है, तो डियर अगर आपको बाई करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन का नाम है डियर यूसीपी लर्निंग ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपके अदर लाइव क्लासेस, हमारे जीएस के कोर्सेस, क्लास नोट्स हैं, फ्री पीडीएफ है, स्टैटिक जीके के नोट्स और ईटीसी शॉर्ट हैंड के कोर्सेस, सभी प्रकार के कोर्सेस आपको इससे सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मित्र, आशा करता हूं कि आज आप सभी को ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो का आपको मोटा मोटा ये मालूम चल गया कि भाई हमारा लिखित परीक्षा एएमआर बेस पर होगी, ऑफलाइन परीक्षा आपका होगा, और ये परीक्षा जो होगी आपकी 100 मार्क्स की होगी। ग्रुप सी की परीक्षा पूरा मैंने आपको बताया 150 मार्क्स, ग्रुप डी की परीक्षा 200 मार्क्स, स्टेनोग्राफी की परीक्षा 200 मार्क्स, सबका अलग अलग क्राइटेरिया बाढ़ के मैंने बताया। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आपको शॉर्ट हैंड कोर्स बाई करना है तो दिए गए कॉन्टेक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी चीजें जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और याद रखिएगा डियर, इसमें शॉर्ट हैंड कोर्स लेने से पहले आप हमारे 3 डेमो क्लास को भी देखें, क्योंकि इस बैच का डेमो क्लास भी अवेलेबल है। डेमो देखने के बाद आप खुद निर्धारित करिए कि क्या मैं ऑनलाइन सीख सकता हूं कि नहीं सीख सकता हूं, क्योंकि लोगों का एक भ्रम है कि भाई ऑनलाइन शॉर्ट हैंड नहीं सीखा जा सकता, लेकिन भाई मैं कहता हूं, यूसीपी परिवार कहता है कि हम सिखाते हैं और सिखाए हैं, ठीक है मित्र। चलिए, तो आज के सेशन को फिलहाल मैं यही तक रखता हूं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, और अभी हमारी वीडियो आती रहेंगी इस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।